कई बार थकावट जा ना खाना खान की वजह नाल चक्कर आउन लगदे हन, पर अजिहा रोज होवे तां सावधान हो जाओ। बिना कारण रोज चक्कर आना भावे ही तुहानू आम लगे, पर यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। जेकर समय रहिंदे इस ते ध्यान ना दिता जावे तां यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। क्यों आंदे हन चक्कर? दरअसल जदो अखां, दिमाग, कन्न, पैरां अते रीढ़ दीआं नाड़ां ठीक तरह काम नहीं करदीआं तां चक्कर अखां दे अगे हनेरा छा जाणा वर्गे लक्षण दिखाई दिंदे हन। अजिहे च इसनूं हल्के च लैणा तुहाडे लई हानिकारक हो सकदा है। दिमाग तक ऑक्सीजन ना पहुँचना। दिमाग नूं निरंतर ऑक्सीजन की लोड़ हुंदी है जो खून दे राही दिमाग तक पहुँचता है, पर कई बार खून दे थक्के बनना जां खराब ब्लड सर्कुलेशन दे कारण दिमाग तक ऑक्सीजन सही मात्रा च नहीं पहुँच पाती, जिस दी वजह नाल चक्कर जां बेहोशी की स्थिति हो जाती है। अजिहे च तुहानूं तुरंत डॉक्टर नूं दिखाना चाहीदा है। शरीर च पानी की कमी। जो लोग घट मात्रा च पानी पीते हैं उन्होंने भी चक्कर आना, लगातार सिर दर्द, अखां च धुंधलापन वर्गियां समस्यावां हो सकदियां हन। खास करके बजुर्गां अते शुगर के मरीजों को यह समस्या ज़्यादा होंदी है, इसलिए भरपूर पानी पियो। कन्न दे इनफेक्शन का कारण। कन्न च इनफेक्शन होने सिर्फ सुनने च ही दिक्कत नहीं आती, सगों इस दी वजह नाल चक्कर भी आने लगते हैं। इसके अलावा ज़्यादा दवाइया की वरतों करन नाल भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। माइग्रेन का संकेत। कई बार चक्कर आना, तनाव, माइग्रेन, ब्रेन या कन्न का ट्यूमर, तंत्रिका तंत्र च प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। अजिहे च इसनू नज़रअंदाज बिल्कुल ना करो। सैल्स घट होना। शरीर च कमजोरी, खून की कमी या सैल्स घट होने की वजह नाल भी बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है। अजिहे च तुहानू हैल्दी डाइट जिवें फल, सब्जियां, नारियल पानी, कीवी, अनार आदि लेना चाहिए है। नाड़ां च कमजोरी। नाड़ां च कमजोरी किसी तरह का दर्द अते सोज होवे तां भी चक्कर आने की समस्या हो जाती है। अजिहे च इसनू हल्के च बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सांझ टीवी। ओए, ये तो मेरे पापा का भी फेवरेट है। सुधीर स्वीट्स, जहां हर मिठाई तैयार की जाती है शुद्ध घी के साथ। टोटली एगलेस बेकरी, सुधीर स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकर्स, सेंट्रल टाउन, फगवाड़ा।